पैसा बांटने का आरोप है उसके ऊपर, और ये पैसा बांटने का जो वीडियो है वो भी अब सामने आ गया है। आरजेडी उम्मीदवार के लिए पैसे बांटने का आरोप है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, पटखौली पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो बगा से बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी के लिए पैसे बांटने का आरोप, और इसका वीडियो भी सामने आई है। देखिए वो वीडियो है जिसमें पैसे बांटने का आरोप लग रहा है, और इसी वीडियो के आधार पर अब जांच हो रही है, पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर, एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। तो चुनावी माहौल में पैसा बांटने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है, पूछताछ एक व्यक्ति से की जा रही है। मुन्ना राय हमारे साथ फोन लाइन पर। मुन्ना, क्या खबर है और इस वीडियो की सच्चाई क्या है? जिस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है उसका नाम अशोक शुक्ला बताया जा रहा है, और वो आरजेडी प्रत्याशी जो वाल्मीकि नगर से दीपक यादव उनका बहुत करीबी बताया गया है, और उनके चीनी मिल में कर्मचारी बताया गया है जो लगातार आरजेडी प्रत्याशी के एवज में काम कर रहा था। और वही एक वीडियो सामने आया था जिस वीडियो में पैसा बांटते हुए अशोक शुक्ला देखा गया था। इसी के बाद जब एक तरफ से शिकायत की गई है और शिकायत की जब जांच की गई है तो उसके बाद प्रशासन ने अशोक शुक्ला को हिरासत में ले लिया, और फिलहाल पटखौली पुलिस हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ की जा रही है, और अधिकारी पूरे उस वीडियो की जांच कर रहे हैं कि वो वीडियो कब का है और पैसे किस संदर्भ में बांटे जा रहे हैं। और फिलहाल अपडेट यही है कि अशोक शुक्ला नामक एक आदमी है जो दीपक यादव का करीबी बताया गया है, जो आरजेडी के उम्मीदवार है, उसको पुलिस हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने अहम जानकारी दी, यानी कि कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा, सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है, और ऐसे में हर चीज तस्वीरें जो हैं अब आम हो चली हैं, और ऐसे में जब ये तस्वीर आई तो इस पर जांच अब शुरू हो गई है, एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। और देखिए गोपालगंज में भी चुनाव में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने अलग अलग जगह से 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनमें हथुआ थाना क्षेत्र, मांझा थाना क्षेत्र और कुचायकोट थाना क्षेत्र से लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि की। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। तो देखिए पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी चुनाव में बाधा पहुंचा रहे थे। एसपी स्वर्ण प्रभात ने खुद कार्रवाई की पुष्टि की है। मतदान का प्रतिशत अब बढ़ने लगा है और आधी आबादी की संख्या भी बूथों पर बढ़ने लगी है। ये गोपालगंज के सेमरा पंचायत की तस्वीर है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि दोपहर का वक्त है और कड़ी धूप के बीच कैसे महिलाओं की लंबी यहाँ कतार लगी हुई है। वहीं अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात के मुताबिक कुल 13 लोगों को मतदान के दौरान चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनमें मांझा थाना क्षेत्र से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि हथुआ से 4 लोगों की और कुचायकोट थाना क्षेत्र से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो कुल 13 लोगों की इस वक्त जो है पुलिस की ओर से गिरफ्तारी भी की गई है, और इन पर आरोप है कि ये लोग मतदान के दौरान चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रहे थे। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और न्यूज 18 को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पूर्वी भारत के विकास पर फोकस की बात कही। पीएम ने कहा कि पूर्वी भारत को पश्चिम के बराबर लाना है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ है, एग्रीकल्चर की दिशा में काम हो सकता है, और बिहार के युवाओं को परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, और बिहार का युवा सबसे ज्यादा टैलेंटेड मिलेगा। देखा होगा जो हमने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, हमने देखा ब्रिज के काम लंबे अरसे से अटके हुए थे, इंडस्ट्री के लिए का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसकी चिंता करना, यानी ऐसे हर विषय पर बल देना। हमने गैस पाइपलाइन का काम किया है, ये गेम चेंजर बनेगा, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सस्ता फ्यूल मिलेगा, वो जाएंगे वहाँ के एग्रीकल्चर को भी हम मोड़ सकते हैं, उस दिशा में हम बल देंगे। आज देखिए जी, बिहार का युवा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मिलेगा आपको, किसी भी फील्ड में जाइए आपको ऐसे हाथ लगाओ तो 2 बिहारी बच्चे मिल जाएंगे, और वो ऐसे ही घर से निकले हुए लोग नहीं है, सामर्थ्यवान लोग हैं। मेरे राज्य में अगर मैं गुजरात का देखो, आईएएस आईपीएस कैडर में किसी एक राज्य के सबसे ज़्यादा कहाँ थे तो बिहार के थे। इसका मतलब परमात्मा ने उनको बहुत सामर्थ्य दिया है, और किसी जमाने में तो विश्व का नेतृत्व उस भूमि में से हुआ है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं। हम इसलिए मैं झारखंड हो, पूर्वी यानी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, इस पर हमारा पूरा बल है।
बिहार के 8 लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। वैशाली में सुबह से वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वैशाली लोकसभा के कांटी विधानसभा क्षेत्र के लसगरीपुर पंचायत भवन बूथ नंबर 79 पर वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है। बूथ संख्या 79 का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लोकतंत्र की धरती वैशाली में सुबह से ही वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कांटी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 79 पर हैं और आप हमारे पीछे देखेंगे किस तरीके से भीड़ जो है मतदाताओं की काफी ज्यादा दिख रही है। दूर तक जो NH है वहां तक लंबी कतारें वोटरों में जो वोटरों की कतारें है वह लगी हुई है। तमाम लोग जो है वोट गिराने पहुंचे हुए हैं। पहली बार आप जो है वो वोट गिराने आए हैं क्या? जी। क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। विवेक कुमार, कैसा लग रहा है पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे? जी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार जब वोट करने अधिकार मिला है गिराने का तो अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह पहुँच गया सबसे आगे। जी बोरे बोरे चले लिए वोट गिराने के लिए। रौदा के लिए सवेरे सवेरे चले लिया। काफी भीड़ आ गया, मतलब लगे वोट गिराना बहुत जरूरी है ना? तो की करिए अब हर चीज दुनिया में केकरो दे दे भाई। की नाम बोल? सीताराम पासवान। सीताराम पासवान, की स्थिति है यहाँ पर? मतलब खूब भीड़ है। भोरे भोरे चले लिया? हाँ। नाश्ता सा के लिए की ना? नाश्ता ना के लिए, पहले मतदान फिर जलपान। युवा है, क्या कुछ मन में चल रहा है वोटों को लेकर? जो होगा वैसे होगा। हाँ कुछ क्या चलेगा, लंबी कतारें हैं, लोग उत्साहित है काफी। जी